और चलिए रुक करेंगे अगली खबर की बात करेंगे। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक में शामिल हुई बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा मुख्यालय पर महिला प्रतिनिधियों की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और इस वक्त प्रयागराज की सांसद रीता जोशी जी हैं। मैम, जो बैठक बुलाई गई काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्या एजेंडा क्या था बैठक? सीधी सी बात है कि इतना बड़ा सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भारत की महिलाओं को मिला है तो इसकी ध्वनि जन जन तक जानी चाहिए, विशेषकर महिलाओं के बीच में। और जैसे कभी भी कोई अच्छी बात होती तो खुशी मनाई जाती है, ऐसी हम लोग स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो हमारे निर्वाचित इकाइयां हैं उसमें गांव-गांव में पद यात्राएं, उसमें लोगों के साथ बैठ के चौपालें लगाना, सेमिनार्स करना और फिर विधानसभा स्तर पर मीटिंग्स अरेंज करना, बड़ी बड़ी सभाएं करना और हर जगह पर जितने भी एनजीओज हैं या महिलाओं के संगठन हैं उनको एकजुट करके और इस पर परिचर्चा कर और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद का ज्ञापन करना, ये सारे कार्यक्रम लगभग एक महीने के यहाँ पर हुए। सबके सुझाव लिए गए और उन सुझाव के आधार पर उसको बनाकर हम सबको भेजा जाए। शुरू करेंगे आप? बस ये शुरू है आज ही से, लेकिन 5, 6, 7, 8 को प्रथम चरण में जो आपके ग्राम सभा है उस स्तर पर चौपालें और पदयात्रा का प्लान है। तो मेरे साथ थी रीता बहुगुणा जोशी जो बता रही थी कि आज की बैठक में क्या कुछ हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।